पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि यूपी में काबा। अगर यूपी में किसी से पूछे कि यूपी में काबा, तो जवाब एक ही मिलता है, यूपी में बाबा। जी हम बात कर रहे हैं योगी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही साल 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता के अलावा एक सफल मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। पर आज का दिन उनके लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। योगी आदित्यनाथ आज 51 सालों के पूरे हो गए हैं और उनको लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं। बधाइयाँ कुछ इस तरह से कहें कि उत्तर प्रदेश के सीएम के 51 साल पूरे होने पर न केवल भाजपा बल्कि प्रदेश के कई जिलों के नेताओं ने उन्हें बधाइयाँ दी हैं और उनके जन्मदिन के अवसर पर कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लगातार इस मामले में कई सारे अपडेट्स आते रहे हैं, कई सारे दिग्गज नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आइए पहले बात कर लेते हैं कि किस नेता ने भाजपा के क्या कुछ उनको कहा और कैसे शुभकामनाएं दी। सबसे पहले राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी और साथ ही स्मृति ईरानी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी को शुभकामनाएं दी। नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीएम योगी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से कामना करता हूं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, वे पूरे मनोयोग और समर्पण के साथ उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में इस धरातल तैयार कर दिया है, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे एवं दीर्घायु रखे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश के लोकप्रिय सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने नेतृत्व में प्रदेश के निरंतर विकास एवं लोक कल्याण और आपकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करती हूं। खैर, भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें बधाइयां दी हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की यह बड़ी जिम्मेदारी लगातार योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं, उनके ऊपर हालांकि कई बार कुछ आरोप भी लगे हैं, खास करके धार्मिक समुदायों को लेकर के, धार्मिक समुदाय में वैमनस्यता फैलाने को लेकर के। खैर, इन सभी मुद्दों के अलावा योगी आदित्यनाथ आज एक सफल मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शुमार हैं और भारत के सबसे सफल और फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। या तो बात रही योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के बारे में, बात देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।